नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ में लगने वाले इंजेक्शंस क्या होते हैं, ये क्यों लगते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स। सो ये क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो इंजेक्शंस हैं ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं और ये आईवीएफ के प्रोसेस का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। ये क्यों लगते हैं आईवीएफ को, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूँ तो मैं इसको पहले तीन फेजेज में डिवाइड करूँगी। फेज नंबर वन, ये क्यों लगते हैं, नंबर वन, फेज नंबर वन में ये इसलिए लगते हैं क्योंकि स्टिमुलेशन फेज में हमें एग्स की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें FSH का हार्मोन लगता है। FSH एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। फॉलिकल मींस एग, और एग को बनाने के लिए इन हॉर्मोन्स को यूज किया जाता है। हमें सबको पता है कि फीमेल की बॉडी में एक एग हर महीने बनता है। उतना एक एग बनाने के लिए फीमेल की बॉडी में FSH कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हमें बहुत सारे एग्स चाहिए, जैसे कि IVF में हमें बहुत सारे एग्स चाहिए या सारे एग्स चाहिए जो ओवरी में हैं, उसके लिए हमारे को डोज FSH की बाहर से देनी पड़ती है। ये हार्मोन आपकी बॉडी के लिए नया नहीं होता, आपकी बॉडी ऑलरेडी इस हार्मोन को जानती है, सिर्फ डोज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये हार्मोन का इंजेक्शन तकरीबन 10 दिन के लिए लगता है, सबक्यूटेनियस लगता है और पेट पर लगता है। और ये हार्मोन का इंजेक्शन एग की ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, यानी कि कराता है। नंबर टू, इसी फेज में एक और इंजेक्शन लगता है जिसको हम सेट्रोलिक्स इंजेक्शन करते हैं। हम एग को बनाते तो हैं लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि एग अपने आप से रप्चर हो जाए, तो उस रप्चर को प्रिवेंट करने के लिए, LH सर्ज को प्रिवेंट करने के लिए हम एक और इंजेक्शन लगाते हैं, सेट्रोलिक्स इंजेक्शन। ये पीरियड के 6th डे से स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यू रहता है पिकअप। ये इंजेक्शन भी सबक्यूटेनियस लगता है, बहुत ज़्यादा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट इसका देखा गया है कि जहाँ पर इंजेक्शन लगता है उसकी साइट पर कई बार इचिंग या रेडनेस या रैशेज होते हैं। इसके अलावा इनमें से किसी भी इंजेक्शन का कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, हल्का सा इंजेक्शन की साइट पे पेन हो सकता है, ब्लैकनेस डार्कनेस आ सकती है इंजेक्शन साइट के ऊपर, थोड़ा सा ब्लोटिंग, आपको हल्का सा वेट गेन लग सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या नींद ज़्यादा आना या भूख ज़्यादा लगना, ऐसी चीज़ें रिपोर्टेड हैं, बट कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन इन इंजेक्शंस के साथ रिपोर्टेड नहीं है। सेकेंड फेज पे, जिसको हम कहते हैं ट्रिगर, जब हम लगाते हैं, जो स्टेज ऑफ मैच्योरेशन है, जब हमें एग्स एक बारी कंफर्म हो जाते हैं कि साइज अच्छा बन गया है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, तो हम उन इंजेक्शन को फाइनल मैच्योरेशन के लिए हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम कहते हैं HCG इंजेक्शन। ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको HCG देना चाहिए या ल्यूपराइड इंजेक्शन देना चाहिए। इन दोनों इंजेक्शन का भी कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। सिमिलर साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं जैसे ब्लोटिंग, वेट गेन या मूड स्विंग्स, बट कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता। नाउ थर्ड फेज में जो इंजेक्शंस लगते हैं वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, जिनमें मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंजेक्शंस लगते हैं वो प्रोजेस्टेरोन के होते हैं। क्योंकि IVF की प्रेगनेंसी एक आर्टिफिशली क्रिएटेड प्रेगनेंसी होती है और बॉडी की तरफ से हॉर्मोन रिलीज नहीं होते, तो हमें मेजरली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए इन हॉर्मोन्स को बाहर से देना पड़ता है। ये इंजेक्शंस प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस होते हैं। प्रेगनेंसी का जो हॉर्मोन है वो भी प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन है, इसलिए इन इंजेक्शंस में प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली हम वाटर बेस्ड प्रोजेस्टेरोन को प्रेफर करते हैं। दूसरी तरह का इंजेक्शन जो इस फेज में लगता है वो है HCG इंजेक्शन। वो वीकली इंजेक्शन लगता है, कुछ कुछ डॉक्टर देते हैं, कुछ नहीं भी देते। थर्ड, किसी किसी पेशेंट्स में हेपरिन के इंजेक्शन लगते हैं, वो रोज़ लगते हैं, एवरी डे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी किसी केसेस में लगते हैं, हर किसी को नहीं लगते। वो उन पेशेंट्स में लगते हैं जिनमें डॉक्टर को लगता है कि उनकी एज ज़्यादा है या उनके यूट्रस की ब्लड सप्लाई थोड़ी कम है, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि इन इंजेक्शन से डरो मत। ये बहुत ही सिंपल बेसिक सेल्फ अपने आप से इंजेक्शन लिए जा सकते हैं, तो इन इंजेक्शन से डर के आप आगे ना बढ़ो, आप ट्रीटमेंट ना कराओ, ऐसा मत करो। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, आप मुझे कंसल्टेशन के लिए जम्मू में मिल सकते हो, आप मुझे कंसल्टेशन के लिए गुड़गांव में मिल सकते हो, या आप मेरे साथ वीडियो कंसल्ट बुक कर सकते हो।
बट प्लीज़ इन इंजेक्शन से डर के या इनके साइड इफेक्ट से डर के या इंजेक्शन के थॉट से डर के अपना ट्रीटमेंट डिले मत।